मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। तुम्हारे डैड की भी बार बार कॉल आ रही है और मुझे मुनासिब नहीं लग रहा कि मैं यहाँ उसका फोन सुनूं। मामा, I still don't feel कि मैं यहाँ इन लोगों के साथ एडजस्ट हो सकती हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि डैड का प्लान क्या है। इस वाहज को देखा नहीं आपने? किस तरह से एटीट्यूड दिखा रहा था, समझता क्या है ये खुद को? मुझे पहले यही लग रहा था, लेकिन यहाँ आकर अंदाजा हुआ है कि महमूद बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस घर पर तुम्हारा पूरा पूरा हक है। और रही बात इस वहाज की, इसको तो बचपन से ही इन लोगों ने बहुत सर चढ़ा कर रखा है। तमीज और बददिमाग है। बचपन से ही इसको तुमसे ज्यादा अहमियत और मोहब्बत दी गई है। याद है मुझे सब कुछ, सब याद है मुझे कि ये बचपन से इसी तरह शिफा के आगे पीछे घूमता रहता था। कुछ भूल ही नहीं होना है। लेकिन एक बात याद रखना, इस घर में तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता, सबके सब तुमसे नफरत करते हैं। वो पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। और ये जो तुम्हारी दादी आगे बढ़ कर तुम्हें प्यार कर रही है ना, बेकरार हो रही है तुम्हारे लिए, ये भी चंद ही दिन की बात है। जब तक मेहरुन्निसा और वहाज इस घर में है, कोई अपना मकाम नहीं बना सकता। तुमने भी जान के दिल से वहाज का प्यार निकाल कर अपना प्यार अपनी जगह बनानी है, तभी तुम इस घर की मालिक बन सकोगी। अपना ख्याल रखना। सारा फ्रूट फ्रिज में रखना, मिठाई फ्रिज में रखना, कल नेबर्स में बांटेंगे सब हम, ठीक है? और खाना खा लिया तुम लोगों ने? जी खा तो लिया है, मगर बाकी का खाना क्या करना है? और खाना बचा है? हाँ तो आप दे देना, अपने घर ले जाना और नौकरों से पूछ लो, दे दो, फ्रिज में मत रखना, ठीक है? आसिया मेरे लिए कॉफी ले आओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कॉफी पीना के लिए जी पहले। बस ना बेटा, आई टोटली अंडरस्टैंड। आज जो भी सिचुएशन हुई है ना, वो हम में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। रिलैक्स हो जाओ। मैं रिलैक्स हूँ, मैं बस आज को लेके बहुत अपसेट, बहुत परेशान हूँ मैं उसे लेकर। वो आज वालेकुम सलाम, ठीक हो इस वक्त? घर में तो सब खैरियत है ना बेटा? जी पप्पू सब ठीक है। मैं बस आपसे ये पूछने आया था, क्या मैं थोड़ी देर के लिए शिफा को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? बेटा इस वक्त काफी देर हो गई है ना। प्लीज पप्पू, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है बेटा जाओ, लेकिन जल्दी आना। डोंट वरी, चले शिफा। तुम जाओ, मैं आ रही। You were right. वहाज तो बहुत अपसेट है। मुझे नहीं समझ आ रही अम्मी कि वहाज को वरीशा से क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है वो तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर वो इस बारे में बात करे ना, तो तुम वहाज को समझाना। वरीशा अभी बहुत मुश्किल में, इन हालात में वो कहाँ जाएगी? वो घर उसका भी तो है ना, उसे इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा। हाँ, समझाना उसे। आप ठीक कह रही है, करती हो बात। आप आसिया को कहते मैं कॉफी बाहर ही पीनी चाहिए। ठीक है ठीक है। मुझे लगता है आज को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा था। तो
नहीं बेटा, वहाज का दिल तो बिल्कुल सोने का है। अच्छा, तो घर आए हुए मेहमान के साथ इतना बुरा सुलूक, मेरी और मामा की इतनी बेइज्जती की है उसने, इतना गुस्सा किया। अच्छे दिल वाले लोग तो घर आए हुए जानवर के साथ भी अच्छा सुलूक करते हैं दादू। नहीं बेटा, उसके गुस्से की वजह तुम नहीं हो, बल्कि मेरी आंखों में आए वो आंसू हैं जो उसने परसों तुम्हारी और रजा की याद में आए मेरी आंखों में देखे। आपके रोने से उसको इतनी नफरत हो गई हमसे? मतलब तो ये हुआ ना कि आपने हर दफा रोने पे मुझे और मामा को बुरा भला कहा। मेरी जान, ऐसा कैसे हो सकता है? महक से मेरे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन तुमको तो बुरा भला नहीं कह सकती मैं। तो फिर से बीजान, मैंने वरिषा बीबी का कमरा सेट कर दिया। ठीक है, थोड़ी देर में आके बर्तन ले जाना। जी बीजान। ठीक है बेटा, अब पहले तुम खाना खा लो, फिर मैं तुमको तुम्हारा कमरा दिखा दूंगा। अच्छी तरह खाना खाना। दादो। जी बेटा। अगर आप माइंड ना करें तो मैं यहाँ सो जाऊँ आपके साथ? अकेले में डर बहुत लगता है मुझे। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि तुम मेरे पास रहो, मेरे साथ सो, मुझे तो बहुत खुशी होगी। मगर आपके चहेते पोते को बहुत बुरा लगेगा और इसे सिच करके मुझे बहुत मजा आता है। आँख हो गई। चलो अच्छी तरह से खाना खाओ, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। तुम्हारी बचपन की कहानियां सुनाऊंगी मैं तुम्हें। अपनी दादी के ज्यादा करीब रहने की कोशिश करना, ताकि तुम्हारे अलावा उसे कुछ दिखाई ना दे। Love you, मेरी जान, मेरा बेटा।